नमस्ते बच्चों, ये वीडियो क्लास आप लोगों के लिए, जैसा कि नया सिस्टम चालू हुआ है हमारे यहाँ वर्चुअल क्लास का, तो लॉकडाउन को देखते हुए हम आज अपनी नई क्लास, पहली क्लास, वीडियो क्लास शुरू कर रहे हैं। बनाना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो बनाना जो है, आप देखेंगे कि एक इसका बॉटनिकल नेम मूसा पैराडिसिका है, और ये जो है म्यूसेसी फैमिली को बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूसेसी है ये सब फैमिली है, और साइटामिनी जो है ये इसकी मेन फैमिली है। सामान्य तौर पर जब हम पढ़ते हैं तब हम म्यूसेसी ही पढ़ते हैं। ओके, सो बनाना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रूट नोन एज मेन काइंड एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फूड फॉर ह्यूमन काइंड, राइट। इसकी ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया है, और इसे हम एप्पल ऑफ पैराडाइज या एडाम्स फिग के नाम से भी जानते हैं। बनाना इज अ ट्रॉपिकल हर्बेसियस मोनोकोटाइलिडॉन्स एंड मोनोकार्पिक फ्रूट प्लांट। और जो तमिलनाडु है, इट इज अ लीडिंग स्टेट फॉर प्रोड्यूसिंग बनाना। बनाना में फ्लावरिंग जो होती है 9 से 12 महीने में आ जाती है प्लांटिंग के बाद। एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज स्पैडिक्स, एंड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ गुड लक्जेटिंग प्रॉपर्टी इट हैज। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेट्स इफ यू डिस्कस दैट, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी मस्ट नो दैट, इडिबल बनाना जो है वो दो स्पीसीज के हाइब्रिड से बना है। इट्स इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, दैट इज मूसा एक्यूमिनाटा एंड मूसा बल्बिसियाना। यस, दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट स्पीसीज, इनके क्रॉस से ये बना है। और ये जो फ्रूट होता है, इसमें जो सीटलेसनेस होता है वो पार्थेनोकार्पी के द्वारा इंड्यूस होता है, और बेसिकली ट्रिप्लॉइडी होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बनाना आप देखते हैं वो सीडलेस ट्रिप्लॉइडी के कारण होता है एंड इंड्यूस्ड बाय द पार्थेनोकार्पी। जो वाइल्ड बनाना होते हैं उसमें सीड होता है। देखिए, इस प्रकार से जो बीज है बनाना का वो होता है, और ये बीज का जो विन्यास है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड दैट शोज दैट इट इज अ बेरी प्लांट, इट्स अ टाइप ऑफ बेरी फ्रूट, राइट। तो हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है बहुत ही वाइड एरिया में ये लग सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। हिमिक ट्रॉपिक प्लांट्स है। टेम्परेचर जो है वो 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो रेनफॉल अप टू 100 mm, दैट इज सफिशियंट फॉर पर मंथ, इज गुड। एंड द सॉइल, इट्स अ डीप वेल सॉइल रिक्वायर्ड, इट्स रिक्वायर्ड डीप वेल एंड ड्रेन्ड सॉइल दैट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर। सो सीजन ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग किस्म है, पुअन, राजथाली, मंथन, ये वेटलैंड सीजन में लगने वाली वैरायटीज हैं। फरवरी नवंबर में जो है ये गार्डन लैंड्स पे लगती हैं। वैसे ही आप ये जो सिरुमलाई किस्म है, ये जून और अगस्त में इसकी प्लांटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम है कि जो इसका प्रोपगेशन है वो सकर्स के द्वारा होता है, और ये इसके सकर्स दो तरह के होते हैं। ये कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड है, एक होता है शॉर्ट सकर और दूसरा होता है वाटर सकर्स। तो आप देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ये शॉर्ट सकर है, और ये जो दिख रहा है ये वाटर सकर है। इस तरह से दो प्रकार के सकर्स इसमें निकलते हैं। तो हमारा जो प्रोपगेशन जो कॉमर्शियली होता है वो शॉर्ट सकर्स के द्वारा होता है। इस सकर्स को यहां से निकाल लिया जाता है और सेपरेट प्लांट तैयार किया जाता है। बच्चों, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी जो एवरेज साइज है, वेट है जो सकर्स की, वो 1.5 से 2 kg की होनी चाहिए। और अभी जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट सकर्स कैसे होने चाहिए, ये आप देखेंगे कि ये डेवलप्ड विद बेस इन द पॉइंट टिप हैविंग नैरो शॉर्ट शेप लीफ ब्लेडर्स इन द अर्ली स्टेज। सो मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई है तो आपको और ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउडेज आजकल जो है माइक्रो प्रोपगेशन जो है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन है बनाना का, वो इससे हो पा रहा है। तो आज की डेट में जितने भी नर्सरीज है वो माइक्रो प्रोपगेशन को ज्यादा प्रेफर कर रही है, क्योंकि इसमें पौधे बहुत जल्दी बहुत तेजी से तैयार हो जाते हैं।
अब हम बात करेंगे फील्ड प्रिपरेशन की, किस तरह की जमीन में इसको लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो गहरी मिट्टी और गहरी एक बार जुताई करनी होती है और पेड़ को लेबल करना होता है और 45 क्यूबिक सेंटीमीटर की हमें एक डग यानी कि गड्ढा हमें बनाना होता है और मिट्टियों को जो है टॉप सॉयल्स के साथ और 10 किलो FIM, 250 ग्राम नीम केक एंड 50 ग्राम ऑफ लिंडेन जो कि अभी बैन है ये नहीं इस्तेमाल करेंगे अपन। ये एक्चुअल में क्लोरोपाइरीफॉस का डस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले में, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इस तरह से स्पेसिंग हम रखते हैं, जैसा कि आपने शुरू में गार्डन लैंड के बारे में सुना, वेट लैंड और की दीज आर दी डिफरेंट प्लेसेस फॉर प्लांटिंग ऑफ दी बनाना। तो हमारे इस क्षेत्र में जो बनाना का प्रोडक्शन होता है वो मोस्ट समान तौर पर ये 1.8 से 1.8 मीटर की जो स्पेसिंग है इसमें होता है। इसमें 3086 प्लांट्स आते हैं और इस तरह से इसमें प्लांटिंग करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बनाना के लिए। इसमें 3 सकर्स पर पीट हमको लगाना होता है विद द स्पेसिंग ऑफ 1.5 टू 3.6 मीटर। इसके लगाने से 4600 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त। अब इरिगेशन की बात करें तो इरिगेटेड जो है इसको तत्काल हमें पानी देना होता है और लाइफ इरिगेशन जो है फोर्थ डे सब्सिक्वेंटली इरिगेशन हमें इसको देना होता है इन अ वीक और 10 से 5 दिन बाद जो है इंटरवल वेटलैंड में हम इसको दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन बहुत ही आसान है, 15 लीटर पर प्लांट पर डे जो है पानी अगर हम देते हैं 4 महीने के प्लांटिंग के बाद, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स NPK, अलग अलग लैंड्स के लिए जैसा हमने कहा राजस्थाली नेंद्रन वेटलैंड कुवन एंड रोबस्टा दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज एंड प्लांटिंग टेक्निक्स ऑफ द बनाना। तो NPK का रिक्वायरमेंट ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष दिया हुआ है, आप इसमें देख सकेंगे 150 नाइट्रोजन और 50 ग्राम पर प्लांट जो है वो फास्फोरस और इसी तरह से 390 ग्राम प्रति पौधा पोटेशियम देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोटेशियम, पोटेशिक फर्टिलाइजर है। इसकी कमी से बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोटेशिक फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बनाना प्रोडक्शन। अब बनाना की किस्मों की बात करें तो ड्वार्फ कैवेंडिश जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रिपल ए जो कि एक सिम्टम आपको दिख रहा होगा ट्रिपल ए, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिप्लॉइड है और ये जीनोम है बनाना का जो कि एक ही प्रकार के जीनोम से बना है एक स्पीसीज का। अब यहाँ आप देखेंगे रोबस्टा जो है सेकेंड स्पीसीज, इसमें भी ट्रिपल ए, ये भी ट्रिप्लॉइड है। राजस्थाली आप देखेंगे डबल ए एंड बी, ये जो है हेटरोजीनस कंडीशन है। इसमें आप देखेंगे ये किसी ना किसी प्रकार के बीमारी के लिए या डिजीज के लिए या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए ये रेजिस्टेंस होगा या टॉलरेंट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है टेबल पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा, प्रोसेसिंग की क्वालिटी के लिए जो है ड्वार्फ कैवेंडिश बहुत ही अच्छी किस्म होती है। वैसे ही रोबस्टा जो है ये भी टेबल पर्पस के लिए है, बहुत ही अच्छी किस्म मानी जाती है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ऐसे पाया जाता है। वैसे ही राजस्थाली सिल्क आप देखेंगे, राजस्थाली जो है ये इसको सिल्क डबल ए बी के नाम से भी जाना जाता है, ये मीडियम टॉल वैरायटी होती है। इसकी खासियत ये है कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसकी शेल्फ लाइफ कंपेरेटिवली ज्यादा है एंड ये जो है इसका जो फल है वो बहुत ही टेस्टी और गुड एरोमा के साथ होता है। उसके बाद देखेंगे कुवन, दैट इज मैसूर डबल ए बी, ये भी हेटरोजाइगस दिख रहा है। इट इज लीडिंग कमर्शियल कल्टीवार ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री विथ लोकेशन स्पेसिफिक इकोटाइप्स लाइक प्लेयंकोदन इन केरला, कुवन इन तमिलनाडु। ये जो है लीफ इंडस्ट्री के लिए भी इसकी खेती जो है पूरे एरिया में किया जाता है, खास करके तमिलनाडु में आपको लीफ के लिए इसकी खेती और कुछ केरल के भाग में जो है इस वैरायटी की जो खेती है वो पत्तियों के लिए किया जाता है। इसकी जो फल होती है वो हल्की सी एसिडिक होती है। अगली किस्म है हमारी नेंद्रन, आप देखेंगे डबल ए बी, ये भी ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सीडलेस ही होगी, ठीक है। इट इज मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन केरला, ये केरल की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। इसका जो बंच वेट है आप देखेंगे 12 से 15 केजी आता है।
ये हाईली ससेप्टिबल है बनाना ब्रैक मोजाइक वायरस के लिए और नेमेटोड एंड बोरस के लिए। अब आप देखेंगे रेड बनाना, इट इज द मोस्ट रिलैशिंग एंड हाईली प्राइज्ड वेराइटी इन केरल एंड तमिलनाडु, इट इज कॉमर्शियल। इसकी जो खासियत है रेड कलर का इसका स्किन होता है, इट इज मोस्ट पॉपुलर इन कर्नाटका ऑल्सो। लाल वेलची जो है जो इसका, इट इज पॉपुलरली नोन एज पॉपुलर जो है ये हुआ है लाल वेलची के नाम से कर्नाटका में। द कलर जो है इसका सीडो स्टेम्स का पेटियोल्स मिड ट्यूब्स एंड फूड्स ग्रीन एंड पर्पलिश रेड होता है, इसी वजह से ही इसको हम रेड बनाना कहते हैं। ये भी बहुत ही ससेप्टिबल होता है बंची टाइप के लिए, फ्यूजेरियम विल्ड के लिए और नेमेटोड के लिए। ये है नेप वन। आप यहां देखेंगे बच्चों कि ये ए एंड बी, इट्स डिप्लॉयड वैरायटी। इसका मतलब क्या है, ये सीडेड बनाना है जो कि प्रोसेसिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल मोनोकल्टिवेशन लार्ज स्केल में करते हैं इसका, ठीक है। और नेप वन जो है वो देखो ये टॉलरेंट है, डिप्लॉयड होने की वजह से ये टॉलरेंट है, इसकी लो वाइड जेनेटिक बेस हो जाता है ना, इसी वजह से ये टॉलरेंट है, टॉलरेंट टू लीफ स्पॉट एंड ससेप्टिबल है फ्यूजेरियम विल्ड के लिए, बनाना बजैक वायरस के लिए। अगली किस्म है विरूपाक्षी, ये भी ट्रिप्लॉइड वैरायटी है, ये टेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है मॉन्थन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहां देखेंगे कि अब ए ए बी ना होके अब ए बी बी हो गया है, इट इज वेरी गुड एंड फॉर द प्रोसेसिंग कल्टीवार, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें हम देखेंगे कि ये भी जो है हाईली ससेप्टिबल है फ्यूजेरियम विल्ड डिजीज के लिए। इसका उत्पादन जो है पत्तियों के लिए भी किया जाता है कुछ एरिया में तमिलनाडु के। तो बच्चों हमने प्रोडक्शन वैरायटीज देख लिया, अब हम देखेंगे कुछ ग्रोथ रेगुलेटर के इस्तेमाल और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इसमें जो हम करते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशन, पहले वो देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सक्रिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, इसमें क्या करते हैं अपने को कि जो बगल के जो सकर्स होते हैं उसको हम मंथली इंटरवल में उसको प्रून करके निकाल देते हैं। ड्राई एंड डेड लीव्स जो होते हैं उसको भी हमको रिमूव कर देना है, बर्न कर देना है। आप देखेंगे मेल फ्लावर, रिमूव अ वीक आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लास्ट हैंड, लास्ट हैंड ओपन होने के बाद हमको मेल फ्लावर को रिमूव कर देना चाहिए। इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेनावेलिंग कहते हैं। आप यहां देखेंगे बर्न इमर्जेंस के बाद इसमें प्रॉपिंग करना होता है, द ट्रीज आर सपोर्टेड विद बंबू, हमको बंबू से सपोर्ट करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि इसका स्टेम स्यूडो स्टेम होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसका स्टेम जो होता है वो फॉल्स होता है, इस वजह से इनको हमको बंबू से सपोर्ट करना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है बंच को कवर करना। यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन स्लीव्स विद 2% ड्यूरिंग कूल सीजन, जब ठंड रहता है तब हमको 2% और जब गर्मी होती है तब 4% इस्तेमाल करना है कवर अप करने के लिए बंचेस को। जैसे ही कब करना है इसको, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लास्ट हैंड। ये देखिए बच्चों ये है लास्ट हैंड ओपनिंग, नीचे वाला आखिरी, और ये मेल फ्लावर है। इस तरह से आप इसको देखेंगे कि कैसे इसके फिंगर्स जो है अरेंज हो गए हैं। अब यहां पर ये लास्ट जैसे ही खुलता है तब हम इसको मेल फ्लावर को रिमूव करना ही डेनावेशन कहलाता है। अभी हम सपोर्टिंग की बात कर रहे थे, प्रॉपिंग की बात कर रहे थे, देखिए बंबू स्टिक से कैसे इस तरह से सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। हम इंटरक्रॉपिंग भी बनाना में कर सकते हैं, कुछ लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स हैं, बीट रूट है, एलिफेंट फुटियाम है, सन हेम्प है, इसका हम उपयोग जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। हमें जो है कुकरबिटेसियस वेजिटेबल को अवॉइड करना चाहिए, इसको हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है आपको तो पता है, दे आर दी क्रिपर्स और ये क्लाइंबर्स दोनों होते हैं, क्रिप भी करते हैं क्लाइंब भी करते हैं, अगर ऐसा होगा तो प्लांट हमारा जो कमर्शियल प्लांट बनाना है वो डिस्टर्ब होगा। अब हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये देखेंगे आप कोट्टा वजाही, इस प्रकार के डिसऑर्डर में आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का इसमें एक सीडी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और फूड जो होता है वो इनएडिबल हो जाता है, इसके अंदर बीज जो है वो आ जाते हैं, इस वजह से कोट्टा वजाही, कोट्टा का मतलब बीज होता है, तो वो जो है फल में आ जाते हैं। आप देखेंगे इस तरह का जो फल है वो फल में इस तरह के बीज जो है बनने लगते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम इसे कंट्रोल करें। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम 240 जो है 220 ppm का इस्तेमाल करते हैं, जब लास्ट हैंड जो है बंच का ओपन होता है तब हमको इसको स्प्रे कर देना चाहिए।
और आप देखेंगे कि अगर इस केमिकल का इस्तेमाल सेम डोज में हम करते हैं तो बंच की जो है वो वेट है वो बढ़ती है और यूनिफॉर्म ग्रेड जो है वो हमको मिलता है, खास करके दो किस्मों में, एक नेंद्रन है और दूसरा मॉन्सन है। आप देखेंगे कि दूसरा डिसऑर्डर होता है वो कंट्रोल, अगर सामान्य तापमान में जब बनाना होता है तो उसके जब हम रिंड को निकालते हैं तो इस तरह से होता है। चिलिंग इंजरी जब होती है ज्यादा टेम्परेचर कम लोएस्ट लो टेम्परेचर की वजह से, तो आप देखेंगे इस तरह की इंजुरी जो है फ्रूट में होने लगती है। हाँ, कुछ डिजीज की बात कर लें तो आप देखेंगे जो बंची टॉप है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जो कि एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है। ये एफिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है इस डिजीज को डिसेमिनेट करता है ऑर्चर्ड में। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो बंची हो जाता है, इसी को हम कहते हैं बंची टॉप बनाना। अब इसकी मैनेजमेंट की बात कर लें तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी अफेक्टेड प्लांट है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, और जो एफिड है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है 0.3% दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉस्फामिडान मोनोप्रोटोफॉस, आई एम रिकमेंडिंग इमिडाक्लोपीड एंड थायमेथोक्साम, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिटामिप्रिड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिजीज होता है वो बनाना ब्रेक मोजाइक वायरस होता है। ये भी जो है एफिड गोसिपी के द्वारा डिसेमिनेट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। देखो बच्चों, ऐसे जो है लीफ वाला सिम्टम दिखने लगता है वायरस, जब मोजाइक का जो अटैक होता है बनाना ब्रेक मोजाइक वायरस जो इस तरह से बिल्कुल दिखाई देता है, ये लीफ स्टेज में है और जब स्टेम में होता है तब इस तरह से दिखाई देता है। इनिशियली ये लीफ में दिखता है, फिर धीरे धीरे स्टेम में इस तरह से फैल जाता है। फंगल विल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पनामा विल्ट ये सुनने में आता होगा, आपने कई बार सुना होगा, ये फिजियम ऑक्सिस्पोरियम क्यूबिसेंस से वजह से होता है, और इसमें भी लीव जो है बिल्कुल येलो हो जाती है, लीव्स वेदर और पेक्योर ब्रिक्स और ब्रकल्स एंड हैंग हो जाते हैं हमारे जो स्यूडोस्टम होते हैं बनाना के उसमें। तो मैनेजमेंट ये है कि रिमूवल हमें करना चाहिए, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उसे बाहर कर देना चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि ड्वार्फ कैवेंडिश है, पुअन है, निंद्रन है, इन किस्मों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन की हम बात करें तो पैडी इन वेट लैंड कल्टिवेशन वो हम देख सकते हैं, कैप्सूल एप्लीकेशन 0.50 से 60 मिलीग्राम कार्बेंडाजाइम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाइड इन द होल मैड इन द एंगल ऑफ दी 45 एंगल के डायगोनल सेप करके हम डिजीज जो कॉम्स होते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं जैसे मोकोविल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख सकते हैं सीडोमोनास और एंटीसीरम की वजह से होता है ये। बंच अटैक मेच्योरिटी फ्रॉम 100 to 150 days आफ्टर फ्लावरिंग, इसका जो यील्ड है टन पर हेक्टेयर पर ईयर अलग अलग वैरायटी वाइज, जैसे पुअन में 40 से 50, मंथन में 30 से 40, रोबस्टा में 50 से 60, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ड्वार्फ केवेंडिस में 50 से 60। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी चाहिए बनाना में वो है, बनाना फ्रूट इज बॉटनिकली अ बेरी, इट इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, बनाना ओवरी इज ट्राइकोलर। साइंटिस्ट साइमंड्स एंड शेफर्ड्स इन 1955 डिवाइज्ड स्कोरिंग टेक्निक फॉर जीनोम क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना एंड पॉलिनेशन इन बनाना इज मीडिएटेड मेनली बाय बीज एंड बर्ड्स। फ्रॉस्ट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ बनाना कल्टिवेशन, बनाना इज अ क्रॉप ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। कभी कभी जो है पोटेशियम डिफिशियंसी जो होती है उसकी वजह से बनाना में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग होता है। फिंगर टिप डिजीज इन बनाना इज सीवियर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग्स। जिंक डिफिशियंसी इन बनाना कॉजेज बंची टॉप क्राउन्स, नैरो पॉइंटेड एंड क्लोरेटिक यंग लीव्स। ग्रॉस माइकल इज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ बनाना बट ससेप्टिबल टू पनामा विल्ट। बनाना फ्रूट फॉलोज डबल सिग्माइड ग्रोथ कर्व। ग्रेंड 9 इज एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया
is becoming popular in India nowadays. G9 के नाम से ये किस्म बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलता है और इसका टिश्यू कल्चर प्लांट्स हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर है. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैंने बहुत ही कंसाइज करने की कोशिश की. दिस वाज वेरी इन वेरी लेस टाइम. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू माय डीन सर दैट ही हैज़ अप्रिसिएट मी, ही हैज़ एंथुसियाइज्ड मी टू मेक दिस वीडियो.